हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तीज के पाल का दिन, यानी कल था तीज। ये बैग निकला हुआ आपको दिख रहा है। एक्चुअली मैं इसमें अपना एक साड़ी था वो ढूंढ रहे थे कि मैं वो साड़ी पहनूंगी, बट मैंने फिर निकला था वो साड़ी, मैंने निकाल के रखा था बट मैंने दूसरा ही पहन लिया। तो आज का है तीज का, मैंने तीज का पूजा कर लिया, कोशिश किया कि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूँ, कैमरा ऑन कर दिया था पीछे। तो मैं हर साल बड़ा नॉर्मल सा पूजा कर लेती थी, मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। इस बार मैंने कोशिश किया कि थोड़ा अच्छे से पूजा करूं, मतलब जैसा नियम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें मैंने की और करते करते काम फिनिश हुआ है। आज भी मैंने सूट ऐसा डाल लिया, ऐसा इसमें बहुत गर्मी हो रही है, ये सूट डाल लिया है। कल से ये चूड़ी था, रात में मैंने सारे निकाल दिए थे, बस एक सिंगल सिंगल डाला हुआ था। और फिर मैंने सुबह पहन लिया नहा हुआ कर, तो अभी पूजा हो गई है। अब भूख लगी हुई है बहुत तेज, तो रागिनी ने कुछ कुछ तैयारियां कर दी हुई है। तो अब मैं चली खाना बना लेने, उसके बाद खाऊंगी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा उसके बाद। क्योंकि पता क्या होता है कि अपहरण के दिन जब आप खाना खा लो उसके बाद आपको भयानक नींद आती है। बट आज मीठी सोई है, बहुत लेट तक सोई है, तो मुझे पता है कि आज वो पूरे दोपहर जगने वाली है। तो ये चलिए, ये मेरा आउटफिट, इसके नीचे ऐसा गोल्डन पजामा या फिर इसमें है ना ग्रीन कलर का, ये सब पहन सकते थे बट मुझे जो मिला मैंने वो पहन लिया, मैंने रेड ही पहन लिया। तो बहुत सारे काम फैले हुए हैं घर में, चलो सबको ख़त्म करने या फिर खा लूँगी तो सो जाऊँगी तो कुछ नहीं होगा। और हॉल वीडियो भी शूट करना है शाम के टाइम, आई डोंट नो आज क्या क्या हो पाए। क्या लेके घूम रही हो तुम मिठू? ये खेलने की चीज़ नहीं है बेटा, ये भगवान बुद्धा लेकर घूम रही है। ओहो क्या हो रहा है? जब सूरज ढल जाता है ना, शाम हो जाता है, तब ये मैडम उठती। क्या कर रही हो? क्यों उनको परेशान कर रही हो? वहाँ टीवी के नीचे मीराबाई रखी हुई है, मीराबाई का जो क्या कहते हैं वो तानपुरा होता है ना, क्या होता है वो, निकाल कर फेंक दिया है मिठी ने इसके ठीक पीछे, टीवी यूनिट के ठीक पीछे, जिसका निकलना अभी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी फोकस गया है ये, और इनके साथ ही एक और है, बुद्धा ही है। ये बेड साइड टेबल पे डेकोरेट करके मैं रखती हूँ, ये मैडम उठा कर ले आती है, ये गिरने से टूट जाएगा लेकिन ये लाती है, रखती है, खेलती है। और अभी उठी है, चलो दूध पिला दूँ तुमको मैं। मिठी दूध पिएगी? इधर देखो ऊपर। तो अभी शाम हो गया है, दोपहर में मैं सोई तो नहीं थी लेकिन बेड पे लेटे लेटे ही रह गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हमारे टीवी में कुछ आज इशू हो गया था। टीवी मतलब इशू कुछ नहीं हुआ था, ये प्रॉब्लम ना शुरू से ही है। एक्चुअली क्या है कि इसमें कभी कभी गूगल असिस्टेंट जो है इसका, ये कभी कभी काम नहीं करता है। और इसमें एक जो पिक्चर मोड होता है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड है, विविड है, सॉफ्ट सिनेमैटिक, ये सब होता है। तो हम लोग जब भी चूज़ करते हैं कि कुछ दूसरा, मतलब इसमें फिक्स है कि विविड ही चलता था, तो हम लोग बहुत थोड़ा सा ना आलस कर रहे थे कि बुलाए टेक्नीशियन को ठीक करवाएं। तो आज वो आया है, आज वो सेटअप करते करते सेटिंग चेंज, काफ़ी टाइम लगा उसको, 2-3 घंटे लग गए वो कर कर गया। तो मैं अंदर लेटी हुई थी मिठी के साथ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं जगी ही थी तो सो नहीं पाई हूँ। ये मैडम खूब सोई है, अभी सोकर उठी है, खूब सोई है, मतलब रात के लिए चार्ज हो गई, रात में मुझे सोने नहीं देगी। तो मैंने दिन में बनाया था चना आलू, और मैंने दिखा नहीं पाई, मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं उस टाइम पे कैमरा उठाती। जैसे तैसे गिरते पड़ते मैंने बनाया खाना, और जैसे जय बोले थे कि मैं बाहर से मंगा दे रहा हूँ, बाहर से मंगने की भाई कल व्रत था, आज बाहर का, हमेशा बाहर से नहीं खाने का मन करता, घर का बनाओ मन करता है। तो सारी तैयारी कर दी थी रागिनी ने, मैंने बस बनाया है, एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सुबह उठ के जल्दी बनाऊंगी, लेट करते करते लेट ही हो गया लंच के टाइम तक। तो सुबह मैंने एक ब्रेड खा लिया था, सबको दिया था ब्रेड बटर, तो मैंने भी एक ब्रेड खा लिया था। तो चना आलू की सब्जी, रोटी और करेला का भुजिया, ये तीन चीज़ें खाई हैं। ये क्या हो रहा मिठी? हाय राम, इसमें बैठोगी तुम? अरे उलट रही है पीछे। अब इसमें एक ऐसे बांध देती हूँ और मिठी को सारा दिन ऐसे एक राइड दे देती हूँ, है ना मिठी? हाँ बड़ा मजा आ रहा है ना। कहाँ ले गई तुम उसको मिठी?
जय सिंह बना रहे हैं आज मटन। मीठी मीठी का उधर चल रहा है अलग काम। अभी तुम्हारा नया जगह बन गया हाँ? रात के 12 बजे रास्ते में नीचे लोग हंसेंगे हाँ? कौन सा बच्चा जगता है भाई? चल, उसके पैर पर फंसाएगी। रुक जाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो।